अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हदीका कियानी। इंडस डॉट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हदीका कियानी। आपके सितारे में मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर मुअज्जम खान, टैरो कार्ड रीडर आलिया नज़ीर, बहुत ही क्यूट से नोनी एंड माई बेस्ट फ्रेंड टोनी, और ऑडियंस में है हमारे डब्लू बबलू। ये आपके साथ कौन है? ये मेरे ख्याल बरसात में कुछ चीज निकली है। अस्सलाम वालेकुम। आप ऐनक लगा रहे हैं? जैसा आपका मुंह है आपको रेडी रूडी लगाए। ये कौन है? मैं इनके मुकाबले में लेके आया हूँ टैरो कार्ड रीडर। अच्छा हाँ, ये तो हम भूल ही गए। बबलू ये वही है ना जिन्हें कल चोरी से मोसा चुके हैं? आपको पढ़े लिखे लोगों से बात करने का सलीका है? ये पढ़े लिखे हो तो ठीक है ना, आप सड़े लिखे हैं। यार नोनी मैंने पहचान ले, कौन है तेरा बहनोई है? अभी हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में हम अपने गेस्ट को बुला लें। हमारी जो पहली गेस्ट हैं, शी इज़ अ ब्यूटिफुल एक्ट्रेस। उन्होंने वीजे से स्टार्ट किया, फिर मॉडलिंग में आईं और फिर एक्टिंग में आईं। छोटी स्क्रीन पे उन्होंने काम किया और उसके बाद उन्होंने बड़ी स्क्रीन पे काम किया और छा गई। आप सबकी तालियों में माया अली। के साथ जो हैं वो बहुत ही पोटेंशियल किस्म के आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, मॉडल हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, हीरो हैं भाई। आप सबकी तालियों में शेहरयार मुनव्वर। कैसे आपका नाम असल में जो है? मेरा मरियम है। मरियम है जी, लेकिन उसको बदले हुए बहुत साल हो गए। यानी कि बचपन में? हाँ बस ऑलमोस्ट लाइक नाइन्थ क्लास में थी जब ये हुआ। बहुत पुरानी कहानी हो गई। पुरानी किन्नी में 200 साल हो गया। बस आप बच्चे थे, 200 साल तो हो गए। उस वक्त तुम्हारी ना सिलाई हो रही थी। टोनी मुझे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरे जोड़े का रंग पिंक है और आपके चेहरे का। दोनों बहन भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे तुम्हारी इस बात से फर्क नहीं पड़ता। टोनी देखें, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो नोनी की बातों को। एक मिनट यार, जो तुसी भी छोड़ो नोनी की बातों को। इस तरह के कह कहे हमारे शो में पहली दफा किसी ने लगाया। लोकल ले जनरेटर जो है जी आवाज आनी कह कह कह। जो तुसी हसदे हो लगदा सीएनजी तो पेट्रोल ते आंदे हो तुसी। माया जब आप लोग इकट्ठे मूवी कर रहे होते हैं तो इस तरह का दौरा पड़ता है कहीं कहीं? जी जी। शेहरयार कभी मूवी के दौरान स्टार्ट हुए हो? शूट के टाइम पे तो ऐसा नहीं होता क्योंकि हम दोनों कैरेक्टर्स में होते हैं, लेकिन आप कहीं फिल्म देखने जा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो बस फिर यही होता है। पहले माया का मतलब तो पूछते हैं ना कि कैसे? मैं बीमार हो गई थी तो अम्मा को किसी ने कहा कि इसका नाम बदल लें, जो कि होता है कि ऐसे नाम शायद नहीं सूट कर रहा। तो अम्मा ने कहा ठीक है नाम रख लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि नहीं, ये मेरी दादी ने नाम रखा हुआ था मेरा, तो उन्होंने कहा कि नहीं बदला जाएगा। तो कितने साल तक मेरे एक घर में मुझे दो नामों से पुकारा जाता था। बाबा मुझे मरियम कहते थे और अम्मा मुझे माया। तो फिर इवेंचुअली माया पे ही। और शेरियार को शेरी कहते हैं? मुझे घर पे लाला कहते हैं एक्चुअली। लाला की तो ट्रक चलाते होगा क्यों आपने बैठना है साथ? सबसे मजे की बात, मैंने कभी इन्हें शायरी नहीं कहा, जबकि उनके आसपास के जितने लोग हैं इन्हें शायरी कहते हैं, पर मुझसे शायरी। आपको बहुत जोर से आते हैं, लाल लिपस्टिक आ रही है। देखिए लाल लिपस्टिक और लाला लाली लाला। तानू बड़ा साया था का 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 का। इस शो के तकरीबन सारे बंदे मेरे खिलाफ हैं, लेकिन मैं अपने मिशन से नहीं हटूंगा। नहीं मैं आपके साथ हूं, आप करना ले। नहीं लाला तेरे नाल ही होश कर। अच्छा मुझे बताओ, ये छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन कैसा एक्सपीरियंस? मुश्किल था, आसान नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैं शेहरयार से बात करी थी, मैंने कहा मुझे लगा था कि मैं अपनी फ्रेंड्स और कजन्स की शादी पे जब हम लोग डांस करते हैं तो बड़ा आसान लगता है, ये तो मुश्किल काम ही नहीं है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। ये आप सुबह घर से जाते हैं, आपका कॉल टाइम होता है, लेकिन आपका घर आने का टाइम आपको नहीं पता होता, लोग समझते हैं कि अच्छा ये तो बहुत एंजॉय करते हैं। क्या इल्जाम लगा रही हैं प्रोड्यूसर के ऊपर? 12 घंटे से लंबा कब खींचा मैंने आपको? 12 घंटे बहुत होंगे लालू। लालू आप दोनों से एक एक सवाल, सक्सेस कैसी लगती है? छोटे से अरसे के अंदर आपने ड्रामास भी कर लिए, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया,
और इतनी जल्दी सक्सेस भी आ गई। 9 साल का अरसा था ये, ये टोटा सा अरसा तो नहीं है, लेकिन 9 ईयर्स के अंदर ही सक्सेस है शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बहुत धक्के भी खाए, बहुत बार गिरी भी, बहुत बार खड़ी भी हुई। और अच्छी बात ये लगती है अब जाकर के आपने जितना कुछ भी मैंने वो फेस किया है, अब मुझे पता है ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी सिर्फ हंसना मुस्कुराना नहीं होती, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन आप कैसे उसको हैंडल करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। शेहरयार, किसी एक चीज़ में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, क्योंकि आपने एक्टिंग भी की, प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, डायरेक्शन भी कर रहे हैं, मॉडलिंग भी की है, सो इन सब में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप ज़्यादा आगे एक्सेल करना चाहते हो? एक्टिंग मैं इन्जॉय करता हूँ, मेरे लिए एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती है जब भी मैं सेट पर होता हूँ। लोग कहते हैं प्रोडक्शन या फिर डायरेक्शन मजदूरी का काम है, बट एक दफ़ा जब आपको उसकी लत लग जाती है तो फिर आपको कोई और मज़ा नहीं आता। मेरी एक ड्रीम ये है कि अभी कमर्शियल्स डायरेक्ट किए हैं, टीवी शो किया है, फीचर फिल्म डायरेक्ट करना चाहता हूँ, बट उसमें टाइम है। मुझे लगता है कि तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आपके अंदर कोई ऐसी कहानी हो जो अगर आपने नहीं सुनाई तो आप फट जाएंगे, या फिर आपको एक्सपीरियंस लेना होता है इमोशनल। काफ़ी एज अ डायरेक्टर आप इमोशंस इमोट नहीं कर सकते अगर आपने वो एक्सपीरियंस ना किए हो, सो दैट्स व्हाई आई थिंक टाइम लेके वो आना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि वो फटने वाला टाइम बहुत करीब आ गया है। इतने भी बुरे हाल नहीं है, थोड़ा वजन हो गया है मेरा। हर चीज़ को लाइफ में बहुत डीपली देखते हो और हर चीज़ के अंदर एक स्टोरी, क्योंकि हर इंसान यहाँ पे एक स्टोरी है ना, बिल्कुल उसकी एक पूरी कहानी, पूरी एक हिस्ट्री है एक एक इंसान की। ह्यूमन बिहेवियर का मुझे एज अ सब्जेक्ट बचपन से बहुत शौक था, टू ऑब्जर्व पीपल, टू सी कि ये कहाँ से आए होंगे, ये इस तरीके से अगर बंदा रिएक्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, सर्टेन सिचुएशंस में लोग किसी तरीके से रिएक्ट करते हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से हैं, मुख्तलिफ उनके पीयर्स हैं, सो वो मुझे चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। इवन जब बचपन में क्रिकेट खेला करते थे तो जब फील्डिंग का टाइम आता था तो मैं साथ बैठा हुआ बंदा भी होता था स्ट्रीट पे, उससे बात करना शुरू कर देता था। ये मैं आप दोनों के अंदर एक चीज़ नोट कर रही हूँ कि दोनों बहुत फ्रेंडली हैं और दोनों ही बहुत डाउन टू अर्थ हो, क्योंकि मेरी जब जब आप लोगों के साथ एक एक्वेंटेंस हुई है उसमें मुझे बिल्कुल यही लगा है कि जैसे बहुत हम्बल, ग्राउंडेड, रूटेड फनकार होता है ये दीका जी, वो है जो का होता है, जो सच्चा फनकार, और ये सच्चे फनकार हैं दोनों। हमारे उस्ताद कहते थे जो फनकार होता है ना वो चलाक नहीं होता। सही बात है, ये बड़े शेर यार भाई, मेनू अपना शिगिर्द कर लो। ओ मजा नहीं पाल दे की ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਹੋਰੇ ਕਿਵੇਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਦੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਫੀਡਰ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਪਲ ਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਝੂਲਾ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਗੋਧੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੱਕ ਦਵੈਣਾ ਪਵਾਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ 'ਚ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨਾ ਖਿਤਾਬ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਪਰ ਨਹੀਂ ਗੱਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਬ ਹਮ ਥੋੜਾ ਸਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਦੋ ਗੁਰੂਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਨਹੀਂ आज इस साइड पे वो सफाई बाद चो करानी है। देखे मैंने 5 किताबें लिखी हैं और अच्छा। इन्हें एक किताब लिखी घोड़ा कैसे भागता है ओने पहले सफे ते लिखा घोड़ा कैसे भागता है 99 सफे ते लिखा धक 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 भाई जी आपने बाकी किताबें लिखी हैं 5 किताबें भाई मैंने लिखी हैं। किस चीज के ऊपर लिखी हैं आपने? इसने मेरी कंड पे लिखी हैं जी। हाथ में क्या है आपके? ये देखिए ये कार्ड्स जो निकालते हैं ये असल कार्ड्स ये नहीं है वो तो कार्ड्स निकालते हैं आप डके निकालते हैं। आपने कौन से कार्ड्स पकड़े हैं? ये असल कार्ड्स हैं। ये तो ताश के पत्ते हैं। असल ये कार्ड्स हैं जिनसे सितारों का पता चल सकता है। आर यू क्रेजी? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आर यू ब्लैक? आर यू डंकी? आर यू लिजर्ड के पापा? एक सेकंड, मैं अभी अल्लाह खैर करे। आप दीका जी ब्रेक ले लो प्लीज, आपकी मेहरबानी, माया साढ़े देना पै जाए। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। न्यू का मतलब है किंग, मतलब देखिए लाला किंग, लाला हमेशा किंग ही होंगे। चित्र लाला टा टा 5-7 लाला।
शेहरयार मैं तो देख भी नहीं रही भाई ये शो 8 घंटे का नहीं हैगा तुसी जुगत करके ना घर चले जाओ शेहरयार आप ही हंसते वेलकम बैक टू आपके सितारे हमारे साथ हैं माया अली और हमारे साथ हैं शेहरयार मुनव्वर आपको आपस में काम करने में कैसा लगा इसी बात पे चिढ़ आती है इसे नहीं बिल्कुल नहीं। शुरू में मुझे इनको समझने में थोड़ा टाइम लगा लेकिन जब हमने रिहर्सल शुरू की और शूट हमारी शुरू हुई तो फिर मुझे लगा कि कैलकुलस की किताब था कोई जो तुम्हें समझने में कुछ 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 क्या डिफिकल्ट लगा फिल्म से पहले हमने 2-3 स्टिल शूट साथ में किए हुए थे और एक एड शूट किया था जिसमें हमने एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं की थी तो हमें लगा था खतरनाक लगती है ये वो केमिस्ट्री तो दिखानी होती है ना स्टिल शूट में भी मतलब आंखों में बातों ही बातों में मेरी भी एक लड़की के साथ शूट था और मैंने केमिस्ट्री नहीं मैंने उसको बायोलॉजी दिखा दी शेहरयार कोई क्रेजी फैन इस तरीके से नहीं कहूंगा मैं बट उस तरीके से कह दे मतलब ये देखे फोन शोन बजते रहते हैं सारा वक्त हाँ. मैं उनकी जज्बात की कदर करता हूँ बहुत ज्यादा कदर करते हैं मुझे लगता है और टेक्स्टिंग शेक्स्टिंग करते रहते हैं जिस बात की कदर करते हैं आप नोजी पूरे जिस बात की मैं कदर करता हूँ उस बात पे आप नहीं है इस वक्त तो बाद में बात करेंगे उसके बारे में नोनी तेरे जज्बात की कदर होने लगी माया तुम्हें बड़ी समझ आई क्या क्लैप की तुमने फटाफट है मेरी बिस्ती पर ऐसी भी कोई बात नहीं मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ बस हल्का सा मीठा हूँ नोनी हाँ अगर तू बोले नाना कि यकीन कर तू पेस्ट्री लगने तो तू ही नाना बोले तो लगता जिवें तेरा बहनो ही हुंदा अपना मुंह देख मरे जिवें दो सोटे दे विच चॉकलेट पाई हुंदी क्रेजी फैन शेहरयार माया के तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे फैंस वो इतने क्रेजी नहीं थे जितना इनकी क्रेजी फैंस होंगी जरा फैन जेंडरलेस होता है हाँ ये भी है आप बस बताई जाए कि हाँ वो भी था वो भी थी वो भी था वो भी थी तुम भी तो इनके फैन हो ना तुम भी तो लेस हो माया प्लीज मेरी बिस्ती पे ज्यादा फाका खाका ना हो एक दफा मेरे घर पे एक खातून थी वो आ गई एंड वो प्रटेंड कर रही थी कि वो मेरी मॉम की दोस्त की बेटी है अब जनरली मेरे घर में बहुत एक वेलकमिंग माहौल है सो अब वो आ गई तो उनको यू नो मम्मी ने मुझे नीचे से फ़ोन किया मेरी दोस्त की बेटी आई है जल्दी नीचे आओ तुम मैंने कहा कौन से दोस्त की कहते हैं यार वो मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन मम्मी अक्सर कभी कभार भूल जाती हैं चीज़ें तो कहती है मैं भूल गई होंगी मुझे याद नहीं आ रहा नीचे आ जाओ तो अब मैं आके बैठ गया और बातचीत हुई जो आप छोटी मोटी बात बात करते हो 5-10 मिनट हो जाते हैं वो गुजर गए आपने यू नो कैजुअल मैंने कहा आपको तस्वीर चाहिए तस्वीर हो गई बात बात हो गई 10 मिनट गुजर गए वो नहीं जाए 15 हो गए नहीं जाए आधा घंटा हो गया डेट खाना आ रहा है खाना खा लिया चाय शाय पी ली उन्होंने अब थोड़ा टाइम गुजरना शुरू हुआ तो उनकी बातों से मुझे ये लगना शुरू हुआ ये तो कोई दोस्त नहीं है ये तो कोई और सीन है दोस्त की बेटी पक्की होना शुरू हो गई तो मैंने फिर मम्मी से पूछना शुरू किया तो मम्मी कह रही हाँ मुझे भी ऐसी कोई दोस्त याद तो अब नहीं आ रही तो वो निकला ये कि वो कोई दोस्त की बेटी नहीं थी उन्होंने एक पूरी स्टोरी बनाई थी मेरे घर का एड्रेस निकलवाया था गार्ड्स को इतने कॉन्फिडेंस से उन्होंने बोला कि मैं उनकी बेटी हूँ और ये करके यू नो डोमेस्टिक स्टाफ को भी बोल के अंदर आके बैठ गई जी जी वो मेहमान थोड़ी देर बाद शहरी को कहने लगी सुने जल्दी आ जाइएगा सोचो अगर वो बैग एंड बैगेज के साथ आ जाती कि मैं किसी दूसरे शहर से कोई आई हूं तो वो आई हुई थी मजे की बात है वो सऊदी अरेबिया से आई हुई थी एडी दूर वहां की भी रोटियां पाड़ के निकल गई अब हम थोड़ा एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड की तरफ आते हैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यार तो टोकरा रखो Excuse me, मैम मैंने 5 जो किताबें लिखी हैं। ऐसी क्या सी लेख हैं? डन हो गया लिखी हैं आगे भी काल करो। सितारों के बारे में ठीक है जी हैं। मैं इनको ये नहीं कहता लेकिन असल काम हमारा है हाँ, अच्छा, आप अच्छा। जिल्दे बनाते हैं किताबों ये चैलेंज होने जा रहे हैं मुअज्जम साहब और आलिया जी सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मुझे भूख लगी है अच्छा आप शेहरयार के बारे में बताएं शेहरयार आने वाले वक्त में क्या बनेंगे वो मैं बता सकता हूँ क्या बनेंगे वो बन चुके हैं क्या बने हैं मेरे ख्याल लेट आया है तेरा खाना ही खराब हो जाए वो सेलिब्रिटी ने दे थे बुलाया ना और उन्होंने बल्ब ठीक करना है अरे इस तो अलावा ना की बनना लाला बन गए मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोग जो हैं जो इस
काम में है उनको क्या शहरयार भाई है इनका सन साइन है लियो अब मुझे बताएं इनमें से इनका साइन कौन सा है प्यो दा पुत्र है तो सन साइन दे स्पेलिंग दस इनमें से बताएं कौन सा है लियो ये तो बच्चों वाले इतना पढ़ा दास आपने इतनी किताबें लिखी है माशाल्लाह मुंह आपका मरुंडा बेचने वाले जी बताएं मैं वही बताने लगा हूं आपको मैं बता रहा हूँ आपको लियो क्या होता है आपने कभी किसी से बख्शीश लियो 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 का मतलब होता है कि लियो 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 जो जी तो बकवास की थी ना बंदा ला छितर लियो अंकल जी मेरी बात आपको पता ये तीनों अच्छा शहरयार भाई किसी और प्रोग्राम च बैठे आपको पता है ये तीनों लियो हैं एक एक घुसन भी पड़ गया ना देखिए मेरी बात सुनिए लियो का मतलब ये है ये की नाम ही तो ले किंग बादशाह दुनिया का इधर सेट है लियो का मतलब है किंग मतलब देखिए लाला किंग लाला हमेशा किंग ही होता है छितर लाला नहीं टा टा इधर पांच सात लाला शेरियार मैं तो देख भी नहीं रही भाई ये शो 8 घंटे का नहीं हैगा तुसी जुगत करके ना घर चले जाओ शेरियार आप ही हंसदे ऐ तानू पता पिछले रमजान च शेरियार बहुत काम आया है अच्छा जदों लाइट बंद हुंदी सी रोजा खुलदा सी शेरी नूं हंसा देंदे सी अच्छा जी हम थोड़ा सीरियस जी ठीक है हम अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं और आलिया जी से पूछते हैं हम माया की तरफ आइए और देखें कि क्या इनके कार्ड्स कहते हैं हरिका माया के जो कार्ड्स हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग हैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर माया एक शीशे की गुड़िया है शी इज़ वेरी डेलिकेट दिल से इमोशन से बट एट द सेम टाइम ये एक आयरन वूमन भी है बहुत स्ट्रेंथ और बहुत स्ट्रांग है लेकिन जब और कोई ऑप्शन नहीं बचता तो फिर इसकी स्ट्रेंथ देखने वाली होती है कि ये कोई भी जंग जीत सकती हैं इतना इनके अंदर एक स्ट्रेंथ और पावर है बेसिकली जो इनके कार्ड्स की बेसिक चीज़ है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा लकी हैं ओके इनकी लाइफ में हमेशा पॉसिबिलिटीज होती हैं द स्टार इनका कार्ड है और ये कार्ड बेस्ट कार्ड्स में से है टैरो के आपको अपनी हेल्थ की केयर इस तरह से करनी है कि पहले आप परेशान होते हो उसके बाद आप बीमार हो जाते हो और बीमार इस तरह से होते हो कि बॉडी स्टिफ हो जाती है अकड़ जाते हो जैसे मूवमेंट जो है वो नहीं की जाती मस्कुलर यस और फैमिली आपकी मुझे लगता है छोटी है जिसमें एक दो सिबलिंग्स आपके होंगे अपनी फैमिली की टेंशन ले लेते हो फैमिली से अटैच्ड बहुत ज़्यादा हो सोचते बहुत ज़्यादा हो और नेगेटिव सोचते हो तो हालांकि अब जो ख्वाब आपने देखा आपने हासिल किया लेकिन कोई चीज़ है जो आपको नेगेटिव कह लो या ये कह लो कि आप उन लोगों में से हो जो देखते हैं गिलास आधा है वो जो कमी है ना उस पर भी आप फोकस करते हो इस आदत को अगर आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दो तो यू हैव अ वेरी कम्प्लीट पर्सनैलिटी मेरी फैमिली छोटी है मेरा एक भाई है और एक मेरी अम्मा है बस अच्छा 2016 में मैंने अपने फादर को खो दिया और स्ट्रेस की बात करें तो 12 साल से मुझे डिप्रेशन है तो हाँ मैं बहुत सोचती हूँ आई थिंक डिप्रेशन जो है वो हर इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे होता है और हमारी सोसाइटी में एक डिफरेंट कॉनोटेशन में लिया जाता है कि जैसे डिप्रेशन हो गया तो कोई बीमारी हो गई ये कोई बीमारी नहीं है ये हर एक को हो सकती है हर एक को हो सकती है और मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो मैं जाके अम्मा से कहती थी अम्मा आपको पता है एक डॉक्टर एक टीवी पे बता रहे थे वो साइकेट्रिस्ट थे तो वो जो बता रहे थे सिम्टम्स वो मुझे फील होती थी उस टाइम पे तो मैंने अम्मा से कहा अम्मा मुझे ये फील होता है तो मैंने कहा तुम्हें क्या टेंशन है जाओ जाके पढ़ो अपना एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि आप सुबह उठे और आपको डिप्रेशन शुरू हो गई आपके बिल्ड होता रहता है ये बिल्ड कर बट ऑनेस्टली आई थिंक माया जो आपने बोला कि ये बीमारी नहीं है मुझे लगता है ये बीमारी है और ये एक इतनी बेसिक बीमारी है जैसे आपको बुखार हो गया आपको जुकाम हो गया जो आपका दिमाग है वो आपका बॉडी का हिस्सा है दैट्स ट्रू अनफॉर्चूनेटली हमने एक स्टिग्मा एक टैबू जो है हमने उस तरह की बीमारी बना ली पागलपन वाली बीमारी है ना कि ओहो अगर काउंसलर के पास चले गए या थेरेपिस्ट के पास चले गए तो चूंकि पागलपन ही होगा तो इसीलिए जा रहे हैं अदरवाइज ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं जैसे आपको छोटा मोटा बुखार या कुछ होता है उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो ना उसी तरीके से इफ यू आर गोइंग थ्रू अ फेज अगर आपको लग रहा है यू आर गोइंग थ्रू अ फेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जाएं डॉक्टर के पास बिकॉज ये भी आपकी बॉडी का हिस्सा है शेरियार
प्लीज ये हेल्थ टीवी का शो नहीं है। सब लोग यहाँ पे हंसने खेलने आए, तुझे बीमारियां याद कराऊं लगा। और हमारा प्रोग्राम जो है ना, ये एक लाफ्टर थेरेपी के तौर पे भी काम आता है। सीरियस आने के साथ साथ एक अच्छा मैसेज अगर दूसरों तक पहुंच जाए तो ये बड़ी बात। ये देखो ना, टोनी बोला मेरा प्यारा। मुझे भी एक इश्यू था, मैं काउंसलर के पास गया। कौन सा वाला काउंसलर? वो उसने कहा तुम एमपीए के पास चले जाओ, मेरा नलका खराब हो गया। ऐसे इंसान का जो अंदर का मौसम है वो खुशगवार रहना चाहिए। अंदर कुछ होएगा तो मौसम होएगा। हाथ कटना में मिट्टी हो जाना। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। यासर नाम है मेरा। अपने मुंह दे हिसाब ना रख बूटा। मनीर छुरी तीफा पकौड़े आला सुधीर चिकड़। एक जोक शोर कर दें गड्डी स्टार्ट हो जाएगी। वेलकम बैक टू आपके सितारे। जी मौजम साहब, मैं शेहरयार जो भाई हैं इनसे स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले तो ये कि एस्ट्रोलॉजी में ये याद रखिए कि 9 ही प्लैनेट्स होते हैं, टोटल 9। और फॉर्चुनेटली आपके 9 के 9 ही पॉजिटिव बैठे हुए जो आमतौर पर नहीं बैठे होते। कि आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। और इसमें ये नहीं है कि बंदे को कोई बहुत एफर्ट करके अपना करियर बनाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आप जिस तरह आगे बढ़ेंगे, आप सोशल वर्क की तरफ और ये जो सारी स्पिरिचुअलिटी है उसकी तरफ, नॉलेज की तरफ और चैरिटी की तरफ बाय बर्थ इंक्लाइन है और रहेंगे। इसलिए आपको लोगों में रहना, लोगों के साथ खेलना, लोगों के साथ फिरना घूमना, ये मस्ती करना, ये अच्छा लगता है। लर्निंग आपकी थ्रू आउट लाइफ चलती रहेगी। अगर आप ये समझें कि आपने जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया और फिर आपकी एजुकेशन रुक गई, ये आपकी एजुकेशन कभी नहीं रुकेगी। सेक्शंस में आपको डिफरेंट पढ़ना पड़ेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके असेंडेंट में 4 प्लैनेट्स यानी कि 4 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं जो अच्छे हैं। इसी वजह से आपकी मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन होंगी और आपको लोगों की वजह से इज्जत मिलती रहेगी। सबसे जो ब्लेसिंग वाली बात है वो ये है कि यू विल बी अप्रिशिएटेड बाय द पीपल टिल रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अच्छा जी मौसम साहब, बिरयानी मांगी है थोड़े वास्ते। जी आलिया जी। हाँ हदीका जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि इन दोनों का नंबर 6 है। ये भी 6 है, ये भी 6 है और 6 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बेस्ट नंबर है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये एक लाइफ टाइम दोस्ती है जो रहेगी। सो उसके बाद अगर हम मैं शेहरयार के कार्ड्स देखूँ तो शेहरयार किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसा बंदा होता है जो अपने काम को बहुत अच्छी तरह से समझता है और उसने उसी में आगे जाना होता है। अगले 21 महीने 21 मंथ्स आप नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई फ्लाई करने के हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस है और आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते चले जाएंगे। अपना काम, अपने प्रोजेक्ट्स और आप एक ब्रांड बन जाएंगे। आपका अपना एक प्रोडक्शन हाउस होगा और आपकी एजुकेशन बाकी है इस फील्ड में, चाहे वो ऑन ग्राउंड लर्निंग हो चाहे वो आप किसी यूनिवर्सिटी से लर्न करें। उसके अलावा जो आने वाला वक्त है उसकी सबसे अहम बात ये है आपकी लव लाइफ। मुझे ये लगता है कि पिछले जो भी कुछ हुआ, जो भी रिलेशनशिप थे सीरियस थे या जो भी था, वो सब ख़त्म होगा। अब आने वाले दिनों में इन्हें लव एट फर्स्ट साइट होगा, हीर रांझे वाली मोहब्बत मुझे दिखाई देती है उसमें लाला हीर है और ये सीन पाकिस्तान से बाहर फॉरेन लैंड में है। पाकिस्तान में कोई नहीं है लड़कियां। अब ये बाहर जाके कहीं हर एक कोई ना देखता रहे कि फर्स्ट साइड लव कहां। इस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं आप कि कोई औरत ऐसी जो इनको अच्छी लगी या जिन्हें ये चाहे उसके पास औरत लड़की मतलब अपने हिसाब ना कह रहे ना औरत उनके पास कोई पासपोर्ट हो, कोई डॉक्यूमेंट हो उनके पास जिसकी वजह से ट्रैवलिंग उनके लिए इजी हो। अच्छा फॉरेन बेस्ड लग रही है। फॉरेन बेस्ड लग रही है और सऊदीया की तरफ, यानी सानू खजूर मुफ्त मिलेगी। अच्छा इनकी जो दूसरी एक अहम बात है इसके अलावा वो ये है कि अपनी हेल्थ की केयर करें। आपका इशू है टेम्परमेंट, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, खुद को कंट्रोल ना करना और तजर्बा करना। वैसे लगता है कि एक लेबॉरेटरी है आपकी और नए से नया तजर्बा करते हैं। हर तजर्बा कामयाब नहीं होता, उसको हेल्थ पर ना लिया करें। और फैमिली को टाइम दें, आपकी फैमिली आपको मिस कर रही है। और पैसा बचाना बहुत मुश्किल काम है आपके लिए। आपके लगता है कि आग लगी हुई है, सुराख है आपकी जेब में और हाथ में। तो पैसा सेव करें और उसको सेव करने का तरीका कार ये है कि आप अपनी मदर से कमेटियां पाओ, कमेटियां। इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा आपको समझता है तो दैट इज़ योर मदर। तो डिस्कस विद हर, उनके साथ बैठा करें, उन्हें काम डाउन करें, वो आपके लिए परेशान है। आपके दोस्त भी आपको मिस कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि ये अब बदल गया, साढ़े तो निकल गया। हाँ, ऐसा है नहीं लेकिन उनको लगता है कि अभी सेलिब्रिटी बन गए। आप क्या बताते हैं इनके बारे में? मैं सबसे पहले शेरी भाई
के बारे में इन्होंने बताया कुछ, मैं मज़ूम सब माफ़ी चाहता हूँ आपकी बात को काट दी जा। माफ़ी मांगे यार, खोल के बोल तू किसी ने कहना। पढ़े लिखे लोग होते हैं बादशौर, उनका गुफ्तगू का अंदाज यही होता है। मैं डर गया था, आप लोग ने बातें की थी, नज़र बट्टू बहुत ज़रूरी होता है सर, प्लीज़ बोले। मैं ये चाहता हूँ कि आप ज्वाइन इस्तेमाल किया करें। मुझे लगता है आप बड़ा इस्तेमाल करते हैं उसका। आता ना भाई जो गाल सुनो। मैं इस बच्ची के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। देखो, अपनी जिंदगी का हर कदम मैं आपके बारे में, ये मैंने अभी देखा है। कुछ नहीं, तू तीन वेखिया तो पंजी वेखी। मैंने आपके बारे में देखा है कि आपकी जिंदगी का हर कदम, जहाँ आप कदम रखेंगी वहाँ मेरा एक्सपीरियंस नहीं, सितारे ही आपके बता रहे हैं कि आप कामयाब होंगी। ये तो गल इन्होंने भी की थी, सुता सी तू। आपको पता है कि जुम्मे के बाद क्या होता है? क्या होता है? हफ्ता। गुड। अच्छा, वो भी थोड़ी जी एस्ट्रोलॉजर ने। जुम्मे के बाद आपको पता है क्या होता है? असर दी नमाज होती पढ़िया कर। हदीका जी, मैं आपके बारे में बता सकता हूँ। मैं तेरे थे लम्या पालने में तो दस बताओ। असर नाम है मेरा, क्योंकि लून चटने इंज करते हैं गड्डी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए हदीका जी, आपने अपना नाम रख चौधरी मलोक या सान रख ले गारे वाली उंगल। अच्छा सुने, मैं आपके बारे में ये कहना चाह रहा था। बताइए आप मुझे, सबसे पहले जब अपने सिंगिंग आगाज किया उसमें कामयाब हुई आप? जी वो तो हो गई। अब वो होस्ट में आई हैं तो इसमें भी कामयाब हुई हैं। अगर फोन लगे यार। ये तो मैं पहचान लिया थी कजी कौन है। ये पीटीवी दौर दी स्ट्रगल कर रहा था, आज हिट होया जी। आपने ये प्रोग्राम जो कर रही हैं आपके सितारे जी, ये जो आपने टाइटल, ये आपको पता मेरी किताब का नाम है। आप अपनी किताब का नाम चेंज ही करें। आप क्या रखें? अब रखें आपके अंगारे। बल्कि तू अपनी किताब का नाम रख पैसे चाहिए उधारे। अपनी किताब का नाम रख गलत इशारे। रख ले गैन गुब्बारे फे फुहारे। कुछ नहीं पता ठीक है जी। मैं जी, आज आप मेरा नाम ही गलत ले रहे हैं तो फिर मैं आपकी बात कैसे सुनूं? की कह रहे हैं? अदीका जी कहते हैं। अदीका जी, अदीका जी, इधर खाना ही खराब होना है। आज तो मैं ना गल करते लगता है मेरी बेगम मेरे ना गल ना करने ही। इधर खाना ही खराब होना, आटा फिर नहीं ले गया आज। तेरी बेगम बड़े नाल चंगा है, मैं तारा नु हाथ पाल। तेरी सगी बेगम तेनू कहती उदो घर आया कर जो वा मुंडा घर आ जाए। यदि शादी हुई अपनी बेगम नु कहता जानू चली मरी शरी फिरन, वो कहती मैं ते मशीन लाई तू अपनी अम्मी नु ले जा। थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक पल बह जा मेरे कोल, तू हंस के बोल ना जिंदड़ी रोल, कदी दे दिल दे वर के फोल, हाल मोल नजर नो तोल, जरा दिल वाली गल भी बोल। एक पल बह जाना, एक पल बह जाना, एक पल बह जाना, एक पल बह जाना। वेलकम बैक टू आपके सितारे। हमारे साथ हैं शेहरियार मुनव्वर और हमारे साथ हैं प्यारी सी माया अली। अच्छा शेहरियार भाई, कोई बचपन का दोस्त जिसे आप मिस करते हो? बहुत सारे। नहीं एक दस यार, इतना टाइम नहीं है। मैं आपके प्लेटफॉर्म लेके पहले फैमिली को भी सॉरी बोलूंगा और दोस्तों को भी। पिछले आई थिंक 6 सालों से 7 सालों से मैंने कोई बहुत जुनूनी तरीके से काम किया है, दिन में 12-12 घंटे, तो उनसे डिस्कनेक्शन बिल्कुल फैमिली से भी और दोस्तों से भी। उन्होंने साथ दिया है कि मैं वो टाइम कॉम्प्रोमाइज़ कर सका, तो माशाल्लाह आज 2 फिल्में प्रोड्यूस करके बैठा हूँ और इस उम्र में भी मुझे मौका मिला है कि मैं इतने बड़े बड़े नामों के साथ काम कर सकूँ। सो
I'm really grateful to my family and friends कि उन्होंने मुझे इजाजत दी कि मैं उनको neglect कर सकूँ थोड़ा सा. मैं वो एक दोस्त अपनी वालदा का नाम लेना चाहूँगा. मैंने उनको बहुत neglect किया, सच्ची जो बात है. एंड आपने बिल्कुल सही कहा था कि सबसे ज़्यादा समझती वही है मुझे. एंड उन्हें सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी उन्होंने किया है. गलती आपके चितर नहीं मारे ना बचपन में मुझे आपने. छह साल बड़ी मेहनत की थी, वेखो जराबा ही नहीं पाई. ये बहुत ठंडी थी, ये बहुत ठंडी थी. नहीं नहीं नहीं, कौन सा खानी है, छोड़ नहीं नहीं नहीं. अरे बेटा वो स्मार्ट स्मार्ट बंदे है ना, अजकल नवी जराबा चलिया जो नजर नहीं आदि. वैसे चलो जराबा पानी होंगे, मेरे बोरी चढ़ा लेना. माया जी, फ्रेंड्स मेरे बहुत दोस्त हैं और मैं खुद को बहुत अमीर समझती थी, लेकिन अब मेरे जो दोस्त हैं बहुत कम हैं और आई थिंक जितने भी हैं वो बहुत अच्छे हैं. एक फायजा है, एक सकलैन, शहरयार मेरे बहुत. और उनको बहुत आपने फिल्टर कर दिया, खुद ही फिल्टर कर दिया टाइम के साथ. आई थिंक इस मामले में बहुत ब्लेस्ड हूँ कि जो चीज़ें मेरे लिए ठीक नहीं है या जो मुझे लगता है खुद ही वो ऑटोमेटिकली वैसे प्रोसेस अल्लाह बना देता है कि वो चली जाती हैं. शहरयार की बहन है नादिया बहन, उनसे मेरी इतनी अच्छी दोस्ती है कि उन्हें पता नहीं इनकी भी कितनी बुराइयां गहरे होते हैं. तो अब जितने लोग मेरी जिंदगी में वो देखे ना जरा गहरे. हाँ नहीं अच्छा हाँ ना बहन यस. तो और इतने से लोग हैं बहुत अच्छे हैं जिनसे मैं अपने दिल की हर बात करती हूँ. और नादिया बहन तो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है. मैरिज के बारे में क्या सोचती हो? कुछ है तो नहीं आया. कैसा चाहती हो कि हस्बैंड कैसा होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है. अगर वो आपकी इज्जत करता है, आपकी फैमिली की, आपके काम की, तो आई थिंक मुश्किल नहीं होता. और अगर वो आपसे प्यार भी करता हो तो फिर तो क्या ही बात है. लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ आई थिंक दोनों तरफ से होने चाहिए. ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि बस वही मुझे अंडरस्टैंड करे, सब कुछ करे, मुझे भी अंडरस्टैंड करना. माया के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड शादी का था वो रह ही गया था बाद में. हाँ. करना चाह रही थी ये, इनके हस्बैंड की पिक्चर है, किंग ऑफ पेंटिकल्स. मुझे आपका जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग है. केबल ना काम कर देना. तीनों लियोज हैं. अब तीनों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगले जो तीन महीने हैं वो तमाम लियोज के लिए बहुत अच्छे हैं, खासतौर पे सिंगल लियोज के लिए. तो आप भी सिंगल लियो हो, आपके लिए नेक्स्ट थ्री मंथ्स मुझे ये लगता है कि यू माइट बी मीटिंग योर सोलमेट. क्योंकि आपकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है जो भी शादी के हवाले से. शादी का टाइम आपका बनता है, दिस इज फर्स्ट हाफ ऑफ 2021. करियर आपका अभी तो मैं फिल्में करूंगी. आपने मारी लड़कियां शादी के बाद एक नॉर्मल लाइफ गुजारती हैं और गुजार सकती हैं और फिल्म में भी काम कर सकती हैं, काम कर सकती हैं. और जो लड़कियां ये सोचती हैं कि शादी होगी जिंदगी खत्म हो गई, ये उनकी यहाँ पर है. शहरयार की मदर, मेरी मदर, अगर वो घर चला रही हैं तो वो दुनिया चला सकती हैं. बिल्कुल सही बात है. जो भी आपके हस्बैंड है ना वो एक मैच्योर इंसान है और वो आपके साथ मिलकर हो सकता है काम भी करे. और बताए ना नजदीक नजदीक ही हो रहे हैं काम. सेम बॉय लाल लिपस्टिक. कन्नी मुबारक हो. की होया? बस तेरा रिश्ता सी अगले महीने शहरी यार नो कर रहे हैं. नोनी लाले ने एक परवटा चुके आई. तेरी यार और माया जी, आसिम रजा साहब के साथ काम करने में कैसा लगा दोनों? उसके लिए तो आपको दो तीन शोज और करने पड़ेंगे. व्हाट अ परफेक्शनिस्ट है ना. ओहो हो, आसिम खुद एक इंस्टीट्यूट है जिनसे आप सीखते इतना कुछ है, इतना कुछ सीखते हैं कि आपकी जिंदगी और बेहतर हो जाती है. मैंने उनके साथ आई थिंक दो ऐड किए थे इससे पहले, तीन ऐड किए हुए थे. और ख्वाहिश तो हमेशा से थी कि कुछ तो करूँ मैं आसिम के साथ. फिल्म मिल गई अचानक से और फिल्म हिट भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह. परे हट लव सिनेमास पे अभी भी लगी हुई है और माशाल्लाह सुपर हिट हो गई है. आपने अगर फिल्म देखी है, आपको पसंद आई है मेरा काम, तो आई थिंक इसका क्रेडिट सिर्फ आसिम को जाता है और आसिम के बाद शहरयार को जाता है. वाह. फिल्म का नाम मेरे हिसाब से चेंज होना चाहिए था. क्या होना चाहिए था? जिस तरह की खूबसूरत जोड़ी है. हाँ जी, फिल्म का नाम होना चाहिए था उरे आ लव. और परे हट लव के लिए जो है ना वो हमारी बहुत सारी दुआएं हैं. और वैसे ही वो बहुत सुपर हिट जा रही है जी. उसमें एक गाना भी है ना बहुत अच्छा सा. उस गाने को तो मैं उस गाने के बारे में, वो इस फिल्म में सबसे पहला जो गाना शूट हुआ था वो एक पल था. और एक पल में हम लोगों ने रिहर्सल्स करना शुरू किए और मुझे याद है आसिम ने मुझे सबसे पहला गाना भी ये भेजा. और मैं कह रही थी ये तो इस फिल्म के बाद जो शादी हो, अजान ने कितना अच्छा उसको प्रोड्यूस किया है. आई थिंक सारा कुछ मिक्स होकर जो एक प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा है तो ये टीम वर्क होता है.
लेकिन क्या खूबसूरत आपने गाया. उस गाने का रिदम और उस गाने की वैसे ओवरऑल एक फील ही इतनी अच्छी है और मजे के लिरिक्स हैं और प्रोडक्शन अच्छी है, डायरेक्शन अच्छी है, हमारे कपड़े हीरो हीरोइन इतने माशाल्लाह से हसीन है और आप लोगों ने इतना अच्छा उस पर डांस और मीरा जी है उसमें. हाँ, खूबसूरत उन्होंने. नो डाउट, नो डाउट. हदीका जी आपने ये फिल्म देखी है? देखी है और मैंने अपना गाना भी सुना स्पीकर्स के ऊपर. आपकी आवाज कहीं पे भी आए वो अच्छी लगती है. अभी आप देखें दूसरी आवाज इस गाने में हम आपको जो सुनाएंगे. जी आवाज आपकी बहुत कमाल है. आज फिर हो जाए. आज हमारे साथ जो साथ ही बैठा है ना ऐसे ऐसे करके जो देख सीधा कहो जैसे लाल बोल ले पौने घंटे तो मैंने सुनील की था और भी कह दियो. वो मेरे साथ गाएगा ना रेड लिप्स. रेड लिप्स मेरे साथ गाएगा ना. रेड बुल. रेड बुल. ਜਿੰਦ ਮਾਹੀ ਜੇ ਚੱਲਿਆ ਜਿੰਦ ਮਾਹੀ ਜੇ ਚੱਲਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਵੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਨਾਲ ਵੇ ਅੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਓਏ ਅੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਅੱਤੇ ਕਾਲੇ ਵੇ ਇੱਕ ਪਲ ਬਈ ਜਾਣਾ ਵੇ ਇੱਕ ਪਲ ਬਈ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਨੀ ਓਏ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਨੀ ਲੱਗਦੇ ਬੋਲ. सजन सोने तेरे हासे निगावां दे आसे पासे नहीं लगना किसे आखे न जावे दिल मेरा लेके इक पल बई जाना इक पल बई जाना इक पल बई जाना इक पल बई जाना ओ इक पल बई जा मेरे कोल तू हंस के बोल ना जिंदड़ी रोल कदी दे दिल दे वर के फो हाल मोल नजर नो तोल जरा दिल वाली गल भी बोल इक पल बई जाना 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 इक पल बई जाना. वाह क्या बात है. कर दे इशारे मैं नजारे की करा तू प्यार मावे जे बुलावे जी करा ओ सोनिए हो दिल वाले नेड़े तू वसा ले हनिया तू जे करे ते जान मारा जानिया उमन जा उमन जा मेरी कलमा ही तू बन जा हो बन जा हो बन जा मेरा मन माही तू बन जा इक पल बई जाना इक पल बई जाना इक पल बई जाना इक पल बई जाना बबलू इक पल बई जाना 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 है एक पल बई जाना. मेरी एक और ख्वाहिश पूरी की आए नोनी जी क्या कमाल किया आपने. और अनकरीब मैं और नोनी जो है ना वो एक डुएट भी कर रहे हैं. अच्छा जी दोनों बहनें इकट्ठी गए. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया और आई एम श्योर हम सब ने बहुत कुछ आप लोगों से सीखा भी है और हमारी ऑडियंस को भी अच्छा लगा. इसके साथ ही हम अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं. आप लोगों से फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. मैं हूँ हदीका कियानी. इंडस डॉट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें.